भारत ने अपने दुश्मनों को जलाकर राख करने का एक और हथियार बना डाला है, जिसकी आहट भर पाकर चीन बेचैन है और पाकिस्तान के होश फाख्ता है। भारत ने एक साथ 10,300 बमों से हमला करने की तकनीक इजाद कर ली है। जी हाँ दोस्तों, एक, दो या 100, 200 या 1,000, 2,000 बम नहीं, पूरे के पूरे 10,300 बमों से एक झटके में हमला करने की काबिलियत हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत और दशकों लंबे चले रिसर्च के बाद खोज निकाली है। इस तकनीक का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना पाकिस्तान के पास। जब से भारत के इन दोनों दुश्मनों को इस महाबम का पता चला है, तब से दोनों देशों में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों देश थर थर कांप रहे हैं, उनके हलक सूख चुके हैं। तो चलिए समय गवाए बगैर आपको बताते हैं आखिरकार भारत ने किस तकनीक से ये महा उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, इस उपलब्धि को हासिल किया है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने ऐसा हथियार बना डाला है जिसकी काट ना तो चीन के पास है और पाकिस्तान के पास उसके काट की कल्पना तक करने की ताकत नहीं है। ये हथियार स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकता है और जल, थल या आकाश कहीं से भी और कहीं पर भी दुश्मन का जहन्नुम का टिकट काट सकता है। हिंदुस्तान की इस उपलब्धि से भारत का डंका पूरी दुनिया में बज गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने अब अपनी काबिलियत के बूते अंतरिक्ष, मेडिकल, डिफेंस, एजुकेशन, मैरीन, साइंस और एविएशन समेत तमाम सेक्टर्स में दुनिया को दिखा दिया है कि अब भारत किसी से कम नहीं है। LAC से लेकर अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते चीन को अब भारत ने उसकी नानी याद दिलाने के लिए बेहद ताकतवर हथियार बना लिया है। ये हथियार ऐसा है कि LOC और पाकिस्तान भी चूं पटाक करने से पहले कम से कम 10,300 बार सोचेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भारत की सैन्य शक्ति का विस्तार करते हुए सेनाओं के बाजुओं में फौलाद भर दिया है। देश के दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए भारत का DRDO GP बम बना रहा है। DRDO GP यानी जनरल बम बना रहा है। GP बम को किसी फाइटर जेट से गिराकर दुश्मन की मौत की गारंटी दी जा सकती है। ये इकलौता बम ही युद्ध भूमि का नक्शा एक झटके में बदलने का मादा रखता है। इस बम से तबाही तो मचाई ही जा सकती है, ये मजबूत से मजबूत बख्तरबंद के भी चीथड़े उड़ा सकता है। GP बम का धमाका ऐसा है कि आग और तबाही की सुनामी ला देता है। जनरल पर्पज यानी GP बम के विस्फोटक की ताकत ठीक वैसी ही है जैसी ताकत के बारे में आपने रामायण या महाभारत की गाथाओं में ब्रह्मास्त्रों के प्रभाव के बारे में सुनते या पढ़ते आए हैं। एक सेंटेंस में कहें तो GP बम का काम युद्ध क्षेत्र को एक ही झटके में तबाह कर देना है। इस बम को दुश्मन सैनिकों, वाहनों और इमारतों के समूल नाश और विध्वंस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। जबलपुर जिले के खमरिया कस्बे में स्थित आयुध कारखाने में देश का सबसे बड़ा बम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की लगातार धमकियों, चालबाजियों और साजिशों के बीच इसके निर्माण को तेज कर दिया गया है। इस बम को खास तौर पर डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि यह बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को एक ही हमले में तबाह कर डाले। इतना ही नहीं, चीन के बुलेट ट्रेन भी इसके निशाने पर आ सकेगी। चीन ने जो हिमालय पर अपनी रेल लाइन भारत के खिलाफ गोला बारूद, असलहे और फौजियों को लाने ले जाने के लिए बनाई है, वो भी जीपी बम के निशाने पर आ चुकी है। ड्रैगन इसलिए बौखलाया हुआ है और इस बम पर पिछले कई सालों से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO रिसर्च कर रहा है। पिछले साल इसके टेस्ट रिजल्ट आने के बाद इसके उत्पादन को हरी झंडी दे दी गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिहाज से गेम चेंजर बता रहे हैं। अगर ताकत की बात करें तो सामान्य जीपी बम 500 किलोग्राम वजन के साथ 1.9 मीटर लंबा होगा। इस हाई एक्सप्लोसिव बम को बनाने के लिए पुणे से हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी की टीम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भेजी गई है। जीपी बम अपने आप में 10,000 से ज्यादा बमों का एक खजाना है। हर बम में 15-15 मिलीमीटर के 10,300 स्टील के गोले लगे होंगे। विस्फोट के बाद हर शेल 50 मीटर तक के टारगेट का शिकार करेगा। यानी जीपी बम खुद में 10,300 बमों की एक फौज को समेटे हुए दुश्मन पर तबाही बनकर टूटेगा। खास बात यह है कि स्टील के गोले 12 mm की स्टील प्लेट में भी घुस सकेंगे, जिसके कारण ये किसी भी सुरक्षा कवच को कागज के पन्नों की तरह चीर कर रख देगा। बमों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे जगुआर और सुखोई SU-30 MKI में भी लोड किया जा सकता है। इससे भारत की रणनीतिक ताकत में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार भारतीय सेना के जल्द से जल्द आधुनिकीकरण पर बेहद ध्यान दे रही है। भारत की उपलब्धि उसी ओर बढ़ाया गया एक कदम बताया जा रहा है। जीपी बम की खबर पाकर भारत के दोनों ईर्ष्यालु पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन टेंशन में है। उस पर भारत ने कश्मीर में अपनी क्रूज मिसाइलें पहले से ही तैनात कर रखी हैं, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों पहले से ही परेशान हैं। भारत एक और हत्यारा बम भी विकसित कर रहा है, जिससे दोनों दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। जीपी बम रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीपी बम भारतीय सेना को न सिर्फ जंग के मैदान का अजय योद्धा बनाएगा, बल्कि ये भारतीय सेना को और फौलादी भी बना देगा। हर हरकत पर है भारत की नजर, जरा भी हरकत की तो अंजाम बुरा हो सकता है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। ऐसे समय में जब चीन की हरकतें उसकी मंशा पर संदेह पैदा करती हैं, भारत ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। इमरजेंसी ऑर्डर पर इसराइल ने भारत को टैंकों का काल दे दिया है। जी हाँ,
भारतीय सेना और एयरफोर्स ने इसराइल से मिली अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM को शामिल कर लिया है। इसराइल के इस खतरनाक हथियार को टैंकों का काल यानी टैंक किलर, इजरायली टैंक किलर कहा जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करती हैं और पावरफुल इतनी होती हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में ही तबाह हो जाएं। भारतीय फौज को ये पावर ऐसे समय में मिली है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले 2 वर्षों से तनाव बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में इस किलर मिसाइल के आने से चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां और भी पुख्ता हो गई हैं। 24 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में यूक्रेनी सेना की ओर से अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन ATGM और पश्चिम की नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसने सैकड़ों रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मलबे में तब्दील कर दिया है। इसराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी इतनी ही घातक और अनेक क्षमताओं से लैस हैं। सेना स्पाइक LR2 लॉन्चर्स और मिसाइलों को शामिल कर रही है जो जमीन पर 5.5 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकती हैं। उधर भारतीय वायुसेना रूसी मूल के अपने MI-17 V-5 हेलीकॉप्टर स्पाइक NLOS मिसाइलों से लैस कर रही है जो 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। सेना इसराइल की एंटी टैंक स्पाइक मिसाइलों को पहले ही शामिल कर चुकी है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के टैंकों और बंकर को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है। स्पाइक 4th पीढ़ी की मिसाइल है जो 4 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। इससे आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, DRDO भी मेन पोर्टेबल ATGM बना रहा है। कंधे, बाड़ी और हेलीकॉप्टर से दागी जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की ATGM को शामिल कर सेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है। सेना का पूरा जोर अत्याधुनिक नई जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों पर है। चीन के साथ लगती सीमा पर इसे काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। चीन के साथ तनाव के बाद भारत ने चीन बॉर्डर इलाकों पर कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारने का भी काम तेज कर दिया है। ईस्टर्न लद्दाख के डेमचौक इलाके में कुछ दिन पहले ही नए कम्युनिकेशन टावर की शुरुआत की गई। इसके अलावा पूरे लद्दाख में 35 नए कम्युनिकेशन टावर लगाने का काम चल रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधरने से बॉर्डर इलाके पर रह रहे लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही इससे सेना को भी मदद मिलेगी। इन कम्युनिकेशन टावर को सेना की मदद से लगाया जा रहा है और इनकी सुरक्षा और देखभाल भी सेना के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन करेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर में नेटवर्क सुधारने का काम किया जा रहा है। मतलब साफ है, चाइना की बर्बादी का पूरा सामान भारत ने तैयार कर लिया है। अगर चाइना ने जरा भी हरकत की तो अंजाम इतना भयंकर होगा कि चाइना में बस राख के ढेर ही दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत।